कानपुर के महादेवा हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज का वितरण डॉक्टरों के साथ मिलकर क्षेत्रीय नागरिकों के बीच किया गया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया गया कि हर घर तिरंगा अभियान में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान को सफल बनाएं। हर घर में फहराए, प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि हर घर तिरंगा लहराए, हर हृदय में तिरंगा लहराए। देश प्रेम से बड़ी कोई पंडित नहीं हुआ करती, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, कोई हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा सुंदर अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ शिव हरे हॉस्पिटल से प्रारंभ हो रहा है। डॉक्टर शिवेन जी इसको शुभारंभ कर रहे हैं, आज उन्होंने यहाँ बुलाया और आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत झंडे का वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। जो यहाँ पर सब हमारा ये कहना है, हर व्यक्ति को तिरंगा अपने घर में लगाना है, जिससे कि हम बता सकें कि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, देश प्रेम से बड़ा कोई पर्व नहीं। और ये हमारा अभियान जो हमारा काकोरी कांड हुआ था उन्नाव में 1925 में 9 अगस्त को जो हुआ था उसका हम सवा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और तपस्या की और अपनी जानों, अपने प्राणों की बलिदान दिया, हम आज उनको भूले नहीं हैं, हम उनको याद कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम सभी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। तो हम ये जरूर कहेंगे, हर घर तिरंगा जरूर लहराए, सभी से हमारी अपील है और सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर शिवेंद्र है और आप डॉक्टर देवेंद्र सिंह हैं। आज क्या कार्यक्रम और कहां पर हो रहा है? आज एक्चुअली मोदी जी के हर घर झंडा तिरंगा के आह्वान में हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज वितरण का कार्यक्रम किया था महादेवा हॉस्पिटल में, जो आसपास की पब्लिक है, बसंत विहार की जनता है, उन लोगों के लिए ध्वज वितरण का कार्यक्रम। मुख्य अतिथि पर कौन आए हुए थे? मुख्य अतिथि हमारी माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी थी। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से एक राष्ट्रीयता के लिए संदेश है, राष्ट्रध्वज का सम्मान, राष्ट्र के प्रति प्रेम, जो कि हमारे मंत्री जी, भारतीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोगों का आह्वान है, उसी के क्रम में हम लोगों की ये छोटी सी प्रयास है। और क्या कहना चाहते हैं? बस आप लोग सभी लोग सहयोग करिए इस चीज़ में, ध्वज का सम्मान और इस जितने भी अभियान को प्रबल रूप में, बड़े से बड़े विस्तृत रूप में किया जा सके, उस चीज़ का प्रयास करें। ये जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो दिन ज़्यादातर जो हमारे युवा हैं उस समय उनको देशभक्ति का ज़्यादातर आपने देखा होगा उस समय एक माहौल बनता है, तो सिर्फ ये 15 अगस्त या 26 जनवरी या अन्य युवाओं को और भी कुछ बताना चाहेंगे कि ये देश के लिए हमारे जो शहीद बलिदान करते हैं तो हमें समय समय पर उनको याद करना चाहिए, किस तरीके से? देखिए, समय समय पर नहीं, याद तो हमें हमेशा करना चाहिए। बात ऐसी है कि हम लोग अपने घर की बातें थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं, तो ये तो हमारे राष्ट्र की बात थी और आज 1947 को हुए 78 साल हो गए आज़ादी को मिले, तो उस समय को जो हमारा 78 साल बीत गया है वो शायद याद नहीं रहता है, लेकिन याद करना चाहिए। वो हम आप हमसे ज़्यादा आपका काम है और आप हमसे ज़्यादा जागरूकता दे सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, हम उसके में सहयोग करेंगे। जिस तरीके से हमने आज प्रयास किया है वैसे ही हम हमेशा सतत प्रयत्न करेंगे।